हेलो एवरीवन, माय सेल्फ इंद्रजीत सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाइड मैथ, एक्सिस कॉलेज। टुडे वी विल डिस्कस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स टू। माय टॉपिक इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? एज वी नो, ट्वेल्थ में हम लोगों ने पढ़ा है डिफरेंशिएशन, सब लोगों ने पढ़ रखा है। तो डी बाय डी एक्स हम लोग जानते हैं, सिंपली वी कैन राइट डी, दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या है? ये ऑपरेटर है जो किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके वी कैन फाइंड द वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी राइट डी ऑफ एक्स, दिस मीन्स वी आर डिफरेंशिएटिंग ऑफ द फंक्शन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दिस मीन्स वी हैव द आंसर वन। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग को क्या पढ़ना है? डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स वी हैव टू सॉल्व इक्वेशन विद द ऑपरेटर डी बाई डी एक्स। नाउ वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन? What is differential equation? Relation between dependent variable and independent variable with their differential coefficient known as differential equation. इसको समझाते हैं। If we write dy upon dx equal to x square, example 1, example 2, d2y upon dx square प्लस का 2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का 3y इक्वल टू 0, सच टाइप इक्वेशन इज नोन एज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब व्हाट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल? जैसा कि डिफिनेशन में कहा गया, रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद देयर डिफरेंशियल कोफिशियंट्स। मतलब जो हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनके डिफरेंशियल इक्वेशन का रिलेशन, रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल विद देयर डिफरेंशियल कोफिशियंट नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम लिखें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो दिस इज कॉल्ड y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो जो वेरिएबल हमारे पास राइट साइड में लिखते हैं, मीन्स राइट साइड में जो वेरिएबल लिखा है जो कि x है, लेफ्ट साइड में जो कि वेरिएबल लिखा है दैट इज y है। तो हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। तो जो राइट हैंड साइड में लिखा होता है दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इनका रिलेशन चाहिए। लेफ्ट साइड में जो लिखा है, यहाँ पे y लिखा है, दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो दो वेरिएबल हैं हमारे पास, एक x है और एक y है। तो हमको रिलेशन कैसा बनाना है? विद देयर डिफरेंशियल कोफिशियंट। तो हमने लिखा dy वाई अपॉन डी एक्स, तो जो हमने यहाँ पे लिखा है y, दिस y इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। dy वाई अपॉन डी एक्स रिलेशन हो गया। रिलेशन कैसा है कि dy वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो दिस इज नोन एज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या सिंपली डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड एग्जाम्पल में देखें, यहाँ पे हमने y दो बार डिफरेंशिएट किया है, फिर डी वाई है, फिर y है। तो इसको हम सिंपल कैसे लिखेंगे? डी स्क्वायर लिख सकते हैं, 2y लिख सकते हैं, प्लस का 3 लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं इक्वल टू 0। तो ये ऑपरेटर 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम है, यहाँ पे कोई नहीं। तो दिस रिलेशन इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो ऐसी इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। अब वी आर ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दीज डिफरेंशियल इक्वेशंस। पहले ये बनाते कैसे हैं, क्या इनका एप्लीकेशन है, व्हाट इज ऑपरेटर? तो ऑपरेटर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि डी वाई अपॉन डी एक्स है, वाई क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डी बाई डी एक्स को हम लोग डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं। अब इनका एप्लीकेशन क्या है? हम लोग इनका इंजीनियरिंग में बहुत सारा एप्लीकेशन करते हैं। बेसिकली हम लोग जब इलेक्ट्रिकल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऐसी चाहे सर्किट जो इक्वेशंस होती हैं, तो हम लोग इन रिलेशन को इस्तेमाल करते हैं। इस टाइप के सोल्यूशन हम लोग वहाँ पे निकालते हैं।
तो इसको तो बाद में समझेंगे। अब टाइप वन, व्हाट इज द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास दो टाइप है, डिफरेंशियल इक्वेशन इज द टू टाइप। पहला हमारे पास है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड हमारे पास है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोगों को क्या करना है कि पहले डिफरेंशिएट करना है कि व्हाट इज पार्शियल एंड व्हाट इज ऑर्डिनरी। पार्शियल का मतलब है हम जो चीज़ों को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझें तो उसे हमें डिफरेंशिएट करना है पार्शियली, मतलब हमें उसे अलग अलग करके डिफरेंशिएट करना है। ऑर्डिनरी को कैसे है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हमें ऑर्डिनरी ऑर्डर फॉलो करते हुए डिफरेंशिएट करना। जैसे हम कोई सिंपल सा कर क्वेश्चन लें, हमारे पास लिखा है वाई बराबर साइन एक्स, ठीक, हम इसको डिफरेंशिएट करें तो लिखेंगे डी बाय डी एक्स वाई डी बाय डी एक्स साइन एक्स। तो हम क्या कर रहे हैं, वाई को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास रिलेशन क्या बना, डी वाई पॉन डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक होता है, ये इसकी डेफिनेशन होती है, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पार्शियल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर हम लिख दें z बराबर एनी फंक्शन x कॉमो वाई, एग्जाम्पल के तौर में लिखें z बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का y, तो हम इसके दो डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, डेल z अपॉन डेल x निकाल सकते हैं, डेल z अपॉन डेल y निकाल सकते हैं। दिस इज द नोटेशन बिटवीन ऑर्डिनरी एंड पार्शियल। ऑर्डिनरी में हम d बाई डी x लिखते हैं, जबकि जब हम पार्शियल का इस्तेमाल करते हैं तो लिखते हैं डेल अपॉन डेल एक्स और डेल अपॉन डेल वाई। तो हम लोगों को क्या करना है, बेसिकली डिफरेंस देखना है कि ऑर्डिनरी और पार्शियल में डिफरेंस कितना है। पार्शियल में हमें पार्शियली चीज़ों को अलग अलग करके डिफरेंशिएट करना है। जैसे यहाँ पे क्या हम लोग कर रहे हैं, हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिख रहे हैं एक्स और वाई, तो हम एक्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वाई में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ डिफरेंशिएशन एक से ज़्यादा है, तो यहाँ हो गए मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ है टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जबकि यहाँ हमारे पास क्या था, सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो वो ऑर्डिनरी है, दो या दो से ज़्यादा है तो वो पार्शियल है। दिस इज द डिफरेंस। हम लोगों को यहाँ क्या सॉल्व करना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक होगा। जैसे पहली इक्वेशन, फर्स्ट एग्जांपल, डी थ्री वाई पॉइंट डी एक्स क्यूब थ्री डी टू वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर थ्री डी वाई पॉइंट डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई की पावर माइनस का एक्स। मतलब कहीं पे भी हम डेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ऑर्डिनरी, तो ऑर्डिनरी में सिर्फ डी का इस्तेमाल होगा, डी बाई डी एक्स। इसका शॉर्ट नोटेशन होता है डी, कई बुक्स में इसको वाई डैश लिखते हैं, कई बुक्स में इसको वाई वन लिखते हैं, तो जैसा नोटेशन होगा वो हम कंसीडर कर लेंगे। तो जो रिलेशन है इनको हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर डी के फॉर्म में लिखे हैं तो यहाँ डी थ्री है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी थ्री वाई प्लस का थ्री डी स्क्वायर वाई प्लस का थ्री डी वाई प्लस का वाई बराबर ए की पावर माइनस का एक्स। तो दिस इज द डेफिनेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं। अब आता है कि हम लोग ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस, व्हाट इज ऑर्डर एंड व्हाट इज डिग्री। पहले ऑर्डर समझते हैं, ऑर्डर की डेफिनेशन क्या, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट, इसको अंडरलाइन करते हैं, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशियंट अकर ऑन इट, मतलब जो सबसे बड़ा ऑपरेटर होगा हमारे पास, मतलब
अगर हमारी क्वेश्चन लिखी है तो सबसे बड़ा ऑपरेटर ढूंढना, जैसे ये 3 बार डिफरेंशिएट है, ये 2 बार है, ये 1 बार है, यहाँ कोई डिफरेंशिएशन नहीं, इधर कुछ फंक्शन लिखा हुआ है, तो जो सबसे बड़ा होगा, बिगेस्ट ऑपरेटर, जिसको हम पढ़ेंगे हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशियंट, मतलब ये कि जो सबसे बड़ा है वही उसका ऑर्डर है। जैसे यहाँ पे ऑपरेटर कितना है 3, तो हम लिखेंगे ऑर्डर इज 3, 2 है, 1 है, तो हमको सबसे बड़ा ढूंढना है। सिंपली वी कैन से हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर इज द ऑर्डर ऑफ ODE, जो उसकी ऑर्डर होगी सबसे बड़े ऑपरेटर की वही उसको ऑर्डर कहेंगे। डिग्री में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कुछ एग्जांपल हैं यहाँ पे, इनको समझते हैं कि कैसे हम लोग ऑर्डर निकालेंगे। ऑर्डर और डिग्री में थोड़ा सा डिफरेंस है। ऑर्डर हम लोग कैसे समझते हैं, जो सबसे बड़ा ऑपरेटर है तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 3। यहाँ पे देखिए इक्वेशन कुछ फॉर्मेट में लिखी है, तो यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं d2y/dx² - 1+dy/dx³, इसका अंडर रूट, वी कैन राइट दिस फॉर्मेट। तो यहाँ ऑर्डर क्या है 2, तो सीधे सीधे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑर्डर इज 2। यहाँ पे हम लोग देते हैं ऑर्डर इज 1। कुछ और एग्जांपल लेके दिखाते हैं, अगर हम लिख दें क्वेश्चन d2y/dx² - y=sin2x(e−x+2x), राइट साइड में क्या लिखा है हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे लेफ्ट साइड में जो लिखा है उससे फर्क पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ा ऑपरेटर ढूंढ लेते हैं, उसकी जो ऑर्डर है, या सिंपली कहें जो उसकी पावर है वही हमारा ऑर्डर है, तो ऑर्डर इज 2। यहाँ क्या लिखा है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन डिग्री में ऐसा नहीं है, डिग्री में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। डिग्री में बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, समझते हैं इसको। डिग्री ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट अकरिंग इन द इक्वेशन, एंड इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का मतलब है, पहले फ्रैक्शन को समझते हैं, फ्रैक्शन का मतलब है कि 1/2 नहीं होना चाहिए, 1/3, 1/5, ऐसे टर्म अलाउड नहीं है, ये सब अलाउड नहीं है डिग्री निकालते समय। सिर्फ ऑर्डर में ये सब अलाउड है, कुछ भी लिख दें फ़र्क पड़ता है, डिग्री में ऐसा नहीं है। तो वही रिस्ट्रिक्शंस है यहाँ पे, इक्वेशन इज़ फ्री फ्रॉम फ्रैक्शंस। यहाँ पे देखिए कोई कंडीशन नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा लिखा हुआ है, ये इसका हाईएस्ट हो गया, तो यहीं से हमको ऑर्डर ढूंढना है, तो ऑर्डर हो गया 3, इसी की होल पावर, होल पावर की बात अगर हम करें d3y/dx³, इसकी होल पावर कितना है 1, तो हम लिखेंगे डिग्री बराबर 1, डिग्री इज 1, कोई कंडीशन नहीं, ऑर्डर इज 3। तो सबसे बड़ा ऑपरेटर हमें दोनों केस में ढूंढना है, चाहे वो ऑर्डर पूछ रहा हो या वो डिग्री पूछ रहा हो, लेकिन डिग्री निकालते समय ध्यान रखना है कि इक्वेशन हमारा रेडिकल्स या फ्रैक्शन फ्री होना चाहिए। कुछ ऐसा एग्जांपल लेते हैं, फाइन डिग्री ऑफ, तो ये सबसे बड़ा ऑपरेटर है, ये इसकी पावर हो गई, यहाँ कितना होगा डिग्री 1 ऑर्डर 2। यहाँ से देखिए इसका डिग्री हम नहीं निकाल सकते, नॉट फाइंड, हम लोग डिग्री इसकी नहीं निकाल सकते। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन है, इसको ऐसे हम समझें d2y/dx² - 1+dy/dx³, इसकी पावर में अंडर रूट है, मतलब यहाँ पे 1/2 लिखा है, तो ये हो गया हमारे पास फ्रैक्शन, फ्रैक्शन नॉट अलाउड होता है डिग्री निकालने के लिए। तो जब तक फ्रैक्शन है डिग्री नहीं निकलेगी, हम ऑर्डर बता सकते हैं कि ऑर्डर 2 होगा, बट डिग्री नॉट डिफाइंड अंटिल वी कैन रिमूव द फ्रैक्शन।
सबसे पहला काम क्या करना है, इस फ्रैक्शन को हमें यहाँ से रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देते हैं। होल स्क्वायर करने का फ़ायदा ये होगा कि वी कैन रिमूव द अंडर रूट। इसको ऐसे लिखिए डी टू आई डी एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस वन प्लस डी वाई पॉन डी एक्स का होल क्यूब होल पावर में वन बाई टू, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ। इधर हो गया डी टू आई पॉन डी एक्स स्क्वायर पावर में टू आ गया, माइनस का प्लस हो गया, वन प्लस डी वाई पॉन डी एक्स का होल क्यूब। ये सबसे बिगेस्ट ऑपरेटर है, ये इसका ऑर्डर हो गया, ये इसकी डिग्री हो गई, तो ऑर्डर टू डिग्री टू। लेकिन जब तक ये रिमूव नहीं करेंगे वी कैन नॉट फाइंड द डिग्री, वी डिफाइंड ओनली ऑर्डर। जब तक ये अंडर रूट नहीं हटेगा तो हमको पहले इसको हटाना है। तो नाउ वी हैव द आंसर ऑर्डर टू डिग्री टू। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड डिग्री। फिर हम लोग कुछ और आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यही एग्जाम्पल हम लोग अभी भी पढ़ चुके हैं, तो अब हमको पढ़ना है लीनियर। लीनियर को ऐसे समझिए, जैसे हम लोग कोई इक्वेशन लिखते हैं क्लास सिक्स या सेवन्थ में, हम लिखें एक्स प्लस वाई बराबर वन, वाई बराबर टू एक्स, वाई बराबर साइन एक्स। तो ये सारे कैसे हैं, ये सारे लीनियर हैं। जिनकी पावर वन है उनको सिंपली हम लीनियर कह सकते हैं, लेकिन जिनकी पावर वन नहीं है, अगर हम लिख दें वाई स्क्वायर बराबर फोर ए एक्स, तो ये लीनियर नहीं थे, उसको क्या पढ़ेंगे, नॉन लीनियर। और हम लोगों ने ट्वेल्थ में इसको पढ़ रखा है, दिस इज पैराबोला। तो लीनियर वो है जिनकी डिग्री वन है, लीनियर इफ डिग्री इज वन। सिंपल लैंग्वेज में इसे समझना है कि वो चीज़ लीनियर कहेंगे यहाँ पे, दैट हैव द डिग्री वन। मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेट टू बी लीनियर। एक डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग लीनियर कहेंगे अगर डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब वाई, डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब हो गया वाई, एंड इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब डी वाई पॉन डी एक्स अकर ओनली इन फर्स्ट डिग्री, अगर उसकी डिग्री वन है तो वो लीनियर है। मतलब किसी भी टर्म की जो होल पावर होगी वो हमेशा ऑलवेज वन होनी चाहिए, अगर वो वन है तो वो लीनियर है। एंड कंडीशन क्या है, नो प्रोडक्ट ऑफ वाई, मतलब यहाँ कहीं पे भी वाई का मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, अगर कहीं पे अंदर वाई का मल्टीप्लाई लिखा है तो वो गलत है, इज कॉल्ड लीनियर। सिंपल में क्या कहेंगे, इफ़ डिग्री इज़ वन, तो डिग्री जितनी वन होगी, जहाँ जहाँ हम लोग को डिग्री वन का केस मिलेगा, दैट इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ पे देखिए सेकेंड एग्जाम्पल में लिखा है ये लीनियर नहीं, क्योंकि यही क्वेश्चन अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है। यहाँ क्या निकला था, ऑर्डर टू डिग्री इज वन, डिग्री इज टू, तो ऑर्डर टू डिग्री टू, इसका मतलब ये टू डिग्री, हमारे डेफिनेशन के हिसाब से इट कंटेंट डिग्री वन। तो डिग्री वन नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे, अगर लीनियर नहीं है दिस इज कॉल्ड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब हम लोगों को इन्हें सॉल्व करना है कि कैसे हम इन चीज़ों का सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कॉन्स्टेंट कोफिशियंट, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वेरिएबल जैसे एक्स है, एक्स स्क्वायर है, एक होता है कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट में टू लिखा है, वन बाय टू लिखा है, सिक्स लिखा है, नाइन लिखा है। अगर हमारे ऑपरेटर के कोफिशियंट में कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लाई है, जैसे यहाँ पे डेफिनेशन दिखा रहे हैं सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा है, इसको मैथमेटिकली हम ऐसे लिखते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक ही जगह कुछ नाम दे देते हैं, यहाँ थ्री लिखा है थ्री डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बी का कुछ नाम दे देते हैं टू वाई बराबर जीरो। ये थ्री और टू हैं, ये हमारे क्या हैं, कॉन्स्टेंट कोफिशियंट है, किसके, डिफरेंशियल इक्वेशन के। कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर। लीनियर का मतलब क्या हो गया, डिग्री वन होनी चाहिए, कॉन्स्टेंट का मतलब हो गया टू फोर सिक्स एट का मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो हमें इनका सोल्यूशन ढूंढना है कि कैसे हम इनका सोल्यूशन ढूंढेंगे, कैसे हम इनको आगे अप्लाई करते हैं।
पहले सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर का मतलब है, पहले हम इसको थोड़ा मैथमेटिकली समझा देते हैं कैसे इसे सॉल्व करना है। हम लोगों को लेना है लीनियर। लीनियर का मतलब क्या हो गया, डिग्री वन होनी चाहिए। ये हम लोगों ने पढ़ा, दिस इज डिग्री वन कंटेन करता है, दैट इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक, ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर आप कुछ भी ले सकते हैं, टू से लेके ऑर्डर ग्रेटर देन टू, मतलब टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, फोर डॉट डॉट एन तक ले सकते हैं, मतलब डी की पावर एन वाई का सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी डिग्री वन होना चाहिए। डिग्री वन का मतलब इट कंटेंट होल पावर वन, अगर वन होगा तभी हम उसको लीनियर कहते हैं। तो हमें इनको सॉल्व करना है जिनकी डिग्री वन होगा, ऑर्डर दो या दो से ज़्यादा, क्योंकि हमें सेकेंड ऑर्डर से सोल्यूशन ढूंढना है इसका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। पहले सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग लिखें लीनियर इक्वेशन, कैसे लिख दें, x प्लस वाई बराबर टू, एक्स माइनस वाई बराबर वन, कुछ ऐसा एग्जांपल दे रहे हैं, दैट इज लीनियर। तो कैसे समझेंगे लीनियर क्यों है, क्योंकि इनकी डिग्री वन है, बोथ कंटेन द डिग्री वन। तो इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, इसको ऐड कर दें तो दैट इज टू एक्स, यहाँ पे सिंपली वी आर ट्राइंग टू ऐड, दिस इज थ्री, तो वी हैव सोल्यूशन एक्स बराबर थ्री बाई टू। एक्स को थ्री बाई टू फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, थ्री बाई टू प्लस का वाई इक्वल टू टू, तो वाई बराबर लिख सकते हैं टू माइनस का थ्री बाई टू, तो ये आ गया वन बाई टू। तो ये जो आंसर आए हैं थ्री बाई टू और वन बाई टू, इनको हम लोग कहते हैं सोल्यूशन, मतलब तीन बटे दो और एक बटे दो हमारा आंसर है, जिसको हम आंसर कहते थे, यहाँ पे हम उसको आंसर नहीं कहेंगे, यहाँ पे वी कैन डिफाइन दिस इज द सोल्यूशन, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि कैसे हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास इक्वेशन ये है तो ये इसका आंसर है, आंसर का मतलब सोल्यूशन है, सोल्यूशन वो है जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। विच सेटिस्फाइड अवर इक्वेशन लाइक, ये हमने एग्जाम्पल लिया, एक्स की वैल्यू निकाला, वाई की वैल्यू निकाला, तो हमारे पास कुछ आंसर आएगा जिसको हम लोग सोल्यूशन कहेंगे, और अगर ये सोल्यूशन सही है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे हमारे पास दो आंसर आए हैं, वी हैव एक्स इक्वल थ्री बाई टू, वाई इक्वल वन बाई टू, पहली इक्वेशन में रखते हैं एक्स प्लस का वाई, तो थ्री बाई टू प्लस का वन बाई टू, फोर बाई टू आ गया, मीन्स टू, और ये रहा हमारे पास टू, सेटिस्फाई है। अगर सेटिस्फाई है तो वो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। यही हमको डिफरेंशियल इक्वेशन में करना है। अब हमारा पैरामीटर चेंज होगा, जहाँ पे हम लोग एक्स वाई डिफाइन करते हैं वो डिफरेंशियल्स होंगे, कुछ ऑपरेटर आएंगे, कुछ नए फंक्शन आएंगे, तो उनको सॉल्व करना है। तो सोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है हमारे पास, कि व्हाट इज़ द सोल्यूशन, सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, वाई बराबर सी एफ पी आई। अब वाई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा डिफिनेशन होता है डी वाई अपॉन डी एक्स इस टाइप का, ऐसे। तो ये हमारा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम लोग लिखते हैं y बराबर सी एफ पी आई, दिस इज द आंसर, इसको आंसर समझेंगे। अब आंसर हमारा ये है, मतलब ये सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन के लिए हमको दो चीज़ करके दिखानी होती है, व्हाट इज द सी एफ एंड व्हाट इज द पी आई। सी एफ क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, कोई अगर हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जैसे अभी दो इक्वेशन हम लोगों ने सॉल्व करी हैं, x प्लस वाई इक्वल टू टू, एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन, तो दो आंसर आए हैं, तो उन्होंने इनको सेटिस्फाई किया इसलिए वो सोल्यूशन है। यहाँ पे कैसे डिफाइन कर रहे हैं, वाई इक्वल टू सी एफ पी आई, मतलब सी एफ भी एक सोल्यूशन है और पी आई भी एक सोल्यूशन है, तो हमको दो सोल्यूशन निकालने हैं अपने इक्वेशन के। तो सबके अलग अलग पैरामीटर हैं, कैसे हमको सी एफ डिफाइन करना है, कैसे हमको पी आई डिफाइन करना है। तो पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि सी एफ कैसे बनता है। फाइंड ऑक्सिलरी इक्वेशन, सब्स्टिट्यूट डी बराबर एम, फाइंड ऑल रूट्स फैक्टर ऑफ द इक्वेशन, फिर अकॉर्डिंग टू रूट हमें सी एफ निकला है। चलो इसको थोड़ा लैंग्वेज में समझाते हैं। अगर हम इसको ऐसे लिखें, सॉल्व डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का वाई बराबर जीरो, इसका सोल्यूशन हमें निकालना है।
तो सबसे पहला काम करना है ऑपरेटर को देना, ये हो गया डी स्क्वायर। डी स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये दो बार डिफरेंशिएट है, तीन बार होगा तीन बार लिखेंगे। वाई होगा क्योंकि वाई यहाँ पे लिखा है, माइनस का वाई इक्वल टू ज़ीरो। अब इसका हम वाई कॉमन कर सकते हैं, डी स्क्वायर माइनस वन वाई इक्वल टू ज़ीरो। अब नाउ वी आर मूविंग टू द सोल्यूशन। सोल्यूशन कैसे लिखेंगे? y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। हम लोग सिर्फ सी एफ निकाल रहे हैं, कैसे सी एफ बनेगा? सी एफ लिए क्या करना है, पहला स्टेप d बराबर m रखना है और फैक्टर करना है। d बराबर m रखेंगे, फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर के हिसाब से आंसर आएगा। तो हमारे पास तीन चीज़ें हो गई, एक हो गया क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड, एक हो गया हमारे पास मिडिल, एक हो गया राइट हैंड साइड। तीन चीज़ें होती हैं, तो जो मिडिल में है वही सोल्यूशन है, y इक्वल सी एफ पी आई। इसलिए y कभी भी जीरो नहीं हो सकता, पहला रिजल्ट कुछ ना कुछ आंसर आना चाहिए उसका। लेफ्ट साइड में क्या हो गया, डी स्क्वायर माइनस का वन, तो ये इसका सी एफ डिसाइड करेगा, डी स्क्वायर माइनस वन। वाई क्या डिसाइड करेगा? वाई डिसाइड करेगा हमारा सोल्यूशन, दैट वी आर डिफाइंड वाई इक्वल टू सी एफ प्लस का पी आई, ये डेफिनेशन है। राइट साइड में जीरो लिखा है, राइट साइड से हम लोग पी आई निकालते हैं, मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। यहाँ पी आई जीरो है तो राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगा। सिर्फ सी एफ निकालना है और हमको सिर्फ सी एफ पढ़ना है भी। तो हमारे पास सी एफ निकालने का तरीका क्या है, डी को एम रखेंगे तो हमारे पास आ गया एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिखते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी। इसका हम फैक्टर कर सकते हैं, क्या फैक्टर हो गया, एक हो गया m माइनस वन, सेकेंड आउट इज m प्लस वन। दो चीज़ों का मल्टीप्लाई जीरो है तो पहला रूट आ गया m बराबर वन, दूसरा आ गया m बराबर माइनस वन। अब ये कैसे आया, अगर हम m प्लस वन को जीरो करें तो m बराबर वन आएगा, अगर हम m प्लस वन को जीरो करें तो m बराबर वन आएगा। दो आंसर आए हैं, मतलब दो सोल्यूशन आए हमारे पास। दोनों कैसे हैं, बोथ आर डिस्टिंक्ट। अब डिस्टिंक्ट एक नया वर्ड है, हम लोगों ने डिफरेंट पढ़ रखा है, डिफरेंट एक वर्ड है जिससे हम लोग पहले से वाकिफ हैं। डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग, तो यहाँ पे जो अलग अलग रूट्स आते हैं उनको हम लोग मैथमेटिकली यहाँ पे डिस्टिंक्ट पढ़ते हैं। तो पहला हो गया दोनों के दोनों आंसर अलग हैं, तो पहला केस बनता है ऑल रूट आर डिस्टिंक्ट, तो हमें सी एफ लिखना है। हो सकता है दोनों रिपीट कर जाएं, मान लो दोनों की वैल्यू हमने रूट निकाला वन कॉमा वन आ जाए, हो सकता है इमेजनरी आ जाए, इमेजनरी का मतलब रूट आ जाए टू प्लस माइनस आई, तो इमेजनरी हो गया। हो सकता है इक्वेशन सॉल्व करें इरेशनल आ जाए, इरेशनल हम लोग ऐसे समझते हैं टू प्लस माइनस अंडर रूट थ्री। इसमें और इसमें बेसिक डिफरेंस ये होता है, इमेजनरी में आई होता है, इरेशनल में आई नहीं होता लेकिन प्लस माइनस होता है। तो चार तरीके के रूट्स पॉसिबल होते हैं इन जनरल। अब इनका सबका फार्मूला सी एफ लिखने का कि हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे सी एफ को, तो पहला काम क्या, फैक्टर करना। फिर जैसे ही फैक्टर हो जाएगा फिर फैक्टर का फॉर्मेट देखेंगे इनमें से कौन सा है, फिर हम उसका आंसर देंगे। पहला केस, अगर हमारे पास डिस्टिंक्ट रूट हुए तो हमारे पास कैसे लिखना है, हम लिखेंगे इफ ऑल रूट्स आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब है ऑल रूट्स आर डिफरेंट। मान लीजिए हमने कोई इक्वेशन सॉल्व किया, रूट्स आ गए m1, m2, m3, डॉट डॉट mn तक, तो हम लोग सी एफ कैसे डिफाइन करेंगे, c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x डॉट डॉट cn e की पावर mnx, वेयर m1, m2, mn आर
डिस्टिंक्ट एन रूट्स, तो और क्या बचा, सी वन सी टू सी एन आर कॉन्स्टेंट। तो हमारे पास जितने रूट्स निकलेंगे उतने नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट आएंगे, और कंडीशन क्या है कि सारे के सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए, मतलब ऑल रूट्स आर डिफरेंट। तो हम लोग अपना सी एफ कुछ ऐसे डिफाइन करेंगे, एक एक रूट्स लिखते जाएंगे, एक एक कॉन्स्टेंट बढ़ाते जाएंगे। इन जनरल समझें तो सी ई की पावर एम इंटू एक्स लिखते हैं, दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ सी एफ। अब अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे दूसरा रूट, तो यहाँ सी वन फिर सी टू फिर सी थ्री फिर सी फोर एम वन एम टू एम थ्री एम फोर। फार्मूला वैलिड तभी होगा जब हमारे पास सारे आंसर डिफरेंट होंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल करके दिखाया गया है y डबल डैश माइनस y इक्वल टू जीरो, तो हम इसी को करके दिखा रहे हैं यहाँ पे। मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन लिखी है y डबल डैश माइनस y इक्वल टू जीरो, तो हम लोग इसको अपने नोटेशन में लिखते हैं, ये दो बार डिफरेंशिएट है, तो हम इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई माइनस का वाई इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट द फॉर्मेट, व्हाट इज द फॉर्मेट, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, डी स्क्वायर माइनस का वन वाई इज इक्वल टू जीरो। फिर सबसे पहले सोल्यूशन डिफाइन करते हैं, सोल्यूशन वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस का पी आई। ठीक, अब तीन चीज़ें हम लोगों ने डिफाइन किया, एक क्वेश्चन का लेफ्ट साइड जहाँ से सी एफ निकलता है, एक क्वेश्चन का मिडिल जहाँ से सोल्यूशन निकलता है, एक क्वेश्चन का राइट साइड जहाँ से पी आई निकलता है। तो पी आई नहीं निकलेगा क्योंकि हमारे पास ज़ीरो है, तो बचा क्या, सिर्फ हमारे पास सी एफ निकालना बचा, ये ज़ीरो हो जाएगा बिकॉज राइट हैंड साइड इज ज़ीरो। सी एफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर सी एफ डेफिनेशन के हिसाब से d इक्वल टू एम रखेंगे, हमारे पास आ गया एम स्क्वायर माइनस का वन इक्वल टू जीरो, एम स्क्वायर माइनस का वन इक्वल टू जीरो, यहाँ पे वन है, इसका फैक्टर हम लोग करेंगे तो वी कैन राइट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन जनरल वी कैन राइट a माइनस बी ए प्लस बी, तो हमारे पास फैक्टर आ गया m माइनस वन एम प्लस वन इक्वल टू जीरो। अगर हम m माइनस वन को जीरो करें तो m आएगा वन, दूसरा आएगा माइनस वन। अब करने से पहले ये चेक करना है कि दोनों डिफरेंट हैं कि नहीं, इफ बोथ आर डिफरेंट, डिफरेंट हैं तो वी कैन राइट सोल्यूशन, अदरवाइज हमारे पास सोल्यूशन दूसरा है। तो हमारे पास दोनों रूट डिफरेंट हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बोथ आर डिस्टिंक्ट रूट्स। तो सी एफ कैसे लिखेंगे, सी एफ हमारे पास हो जाएगा सी वन ई की पावर एम वन एक्स, सी टू ई की पावर एम टू एक्स। तो वॉट इज एम वन एंड एम टू, एम वन एम टू आर द बोथ डिफरेंट रूट्स, तो आंसर हमारे पास क्या बनेगा, सी वन ई की पावर वन इंटू एक्स, सी टू ई की पावर माइनस वन इंटू एक्स। हमने सिर्फ सी एफ निकाला है अभी, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। सोल्यूशन हम लोग कैसे लिखेंगे, सोल्यूशन हम लोग को लिखना होता है y इक्वल टू सी एफ पी आई। सी एफ कितना आ गया, सी वन ई की पावर वन का सीधे सीधे x हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का x, तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, सी वन ई की पावर x, सी टू ई की पावर माइनस का x। पी आई क्यों नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन का राइट हैंड साइड जीरो था, अगर राइट हैंड साइड जीरो है तो पी आई जीरो होगा, तो यहाँ पे सीधे सीधे जीरो लिखा गया है। सी एफ की ये वैल्यू यहाँ लिखी गई, तो दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा एग्जाम्पल करके दिखाते हैं, अभी हम लोग पहला केस कर रहे हैं जिसमें सारे रूट हमारे पास डिफरेंट होंगे। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सॉल्व डी टू आई डी एक्स स्क्वायर थ्री डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का टू वाई इक्वल टू ज़ीरो, इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले हम लोग को दो चीज़ें देखनी होती है, कि पहली बार तो वो लीनियर होना चाहिए,
दूसरा कांस्टेंट कोफिशियंट होना चाहिए, क्योंकि ये दो चीज़ें अगर नहीं हैं तो हमारे पास सारे पैरामीटर, सारी डेफिनेशन, सारा प्रोसीजर चेंज हो जाएगा। लीनियर के क्या है, सबसे पहले जो बड़ा ऑपरेटर है हैविंग द डिग्री वन, तो वो लीनियर है, दिस इज द डिग्री वन, तो ये लीनियर हो गया। कांस्टेंट का मतलब है जो ऑपरेटर हैं उनके कोफिशियंट के पास अगर कांस्टेंट का मल्टीप्लाई है, तो इसको कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोफिशियंट। तो हमारे पास क्या हो गया, ये लीनियर हो गया, यहाँ वन है, ये थ्री है, ये टू है, इनको ऐसे समझ लेते हैं, ये कैसे हैं, ये सारे कांस्टेंट हैं। अगर इस टू को हटा के हम यहाँ पे एक्स कर दें तो ये डेफिनेशन फॉलो नहीं होगी, हमको दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मेट सही लिखा है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, डी स्क्वायर वाई हो गया, थ्री डी वाई हो गया प्लस का टू वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका फॉर्मेट बना लेते हैं, डी स्क्वायर प्लस का थ्री डी प्लस का टू वाई इक्वल टू ज़ीरो। हम लोगों ने क्या किया है, ये दो बार डिफरेंशिएट है, वी कैन राइट डी स्क्वायर, दिस इज़ द वन डिफरेंशिएशन सिंपली डी वाई, दिस इज़ द टू वाई। अब तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड, एक होता है उसका मिडिल, एक होता है उसका राइट हैंड साइड। तीनों की अलग अलग अहमियत है, तीनों अपना अपना काम करेंगे। y क्या डिफाइन करेगा, सोलूशन, लिखिए सोलूशन, y इज इक्वल टू सी एफ पी आई। सोलूशन को हम लोग लैंग्वेज में समझे तो दिस इज द आंसर, लेकिन हम लोग आंसर नहीं लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आंसर की ज़रूरत नहीं, वी कैन राइट द सोलूशन। अब लेफ्ट साइड का क्या काम है, लेफ्ट साइड से सी एफ निकलेगा, वाई हमको आंसर देगा, राइट साइड में पी आई निकलेगा। तो अगर राइट साइड में कोई चीज़ जीरो दिख रही है तो इसका मतलब पी आई जीरो आएगा, तो इसका मतलब ये हट गया, ये जीरो हो गया, तो आंसर क्या मिलेगा, वाई बराबर सी एफ। सी एफ का क्या करते हैं हम लोग, पहले पहले इसका फैक्टर करते हैं, डी बराबर एम रख के सी एफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे डी बराबर एम रखना होता है और उसका फैक्टर करना होता है। तो हम सीधे सीधे सॉल्व कर लेते हैं इसको, डी स्क्वायर प्लस थ्री डी प्लस टू, यहाँ लिखते हैं सी एफ, डी इज इक्वल टू एम, ये इक्वल नहीं है, लगभग बराबर होता है, एम स्क्वायर प्लस का थ्री एम प्लस का टू बराबर ज़ीरो। अब एक क्वेश्चन बनता है कि दो चीज़ों का मल्टीप्लाई ज़ीरो हो रहा है, इसके बगल में वाई भी लिखा है, तो हमने y को जीरो क्यों नहीं किया, दो चीज़ों का अगर मल्टीप्लाई जीरो हो तो या तो ये जीरो होगा या तो y जीरो होगा। तो y को जीरो क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज y इज़ द सोलूशन, अगर हम इसको जीरो कर देंगे तो पूरा आंसर जीरो में चला जाएगा। तो यहाँ से y नॉट इक्वल टू जीरो होता है, अंडरस्टूड है, इसीलिए हम उसको कभी डिफाइन नहीं करते। तो सिर्फ क्या करते हैं, जहाँ d दिख रहा है उसको m रख के उसका फैक्टर करते हैं, फैक्टर कर लिया, हमारे पास फैक्टर हो जाएगा एम स्क्वायर, इसको ब्रेक किया, टू प्लस वन एक ब्रैकेट में बंद कर लिया, प्लस का टू बराबर ज़ीरो, इस वाई को हटा लेते हैं यहाँ से, पहले ब्रैकेट से एम कॉमन करें, वी कैन राइट एम प्लस टू, फिर वन को कॉमन करें, एम प्लस टू, तो दो आंसर आ गए, एक आएगा एम बराबर माइनस टू, एक आएगा एम बराबर माइनस का वन। माइनस टू क्यों आया, क्योंकि हम लोगों ने इस स्टेप को ज़ीरो किया है, माइनस वन बिकॉज एम इक्वल टू सेकेंड टर्म जीरो करेंगे, एम बराबर माइनस वन। तो अब ये देखना है कि ये आंसर कैसे हैं, इनको अलग से लिखते हैं, एक एम की वैल्यू माइनस वन है, सेकेंड वन माइनस टू है, तो इसको मान लेते हैं एम वन, इसको मान लेते हैं एम टू, नाउ वी हैव टू आंसर। दोनों कैसे हैं, दोनों डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट को हम लोग यहाँ क्या पढ़ते हैं, डिफरेंट को हम लोग डिस्टिंक्ट पढ़ते हैं, बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का सी एफ कैसे लिखेंगे, सी वन ई की पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ई की पावर एम टू एक्स। तो हमारे पास सी एफ का आंसर कितना बन गया, सी एफ बराबर सी वन ई की पावर एम वन एक्स सी टू ई की पावर एम टू एक्स। एम वन एम टू क्या है, माइनस वन एंड माइनस टू, तो सी वन माइनस वन एक्स हो गया, सी टू माइनस टू एक्स हो गया, ये सी एफ आ गया हमारे पास। पी आई जीरो था क्योंकि क्वेश्चन का राइट साइड जीरो है, अब हम लिखते हैं वाई बराबर सी एफ पी आई, तो पी आई जीरो है तो आंसर कितना बचेगा, सी वन ई की पावर माइनस एक्स सी टू माइन ई की पावर माइनस का टू एक्स, दिस इज द
आंसर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम इसका पैरामीटर चेंज करते हैं, अब हम चीज़ों को कोरिलेट करेंगे। अभी हमने वो क्वेश्चन किए हैं जिसमें दोनों के दोनों आंसर या जितने भी आंसर आ रहे हैं वो डिफरेंट हैं। अब हम इनको मिक्स करेंगे, केस टू पे आते हैं। रूट्स आर रिपीटेड, रिपीटेड का मतलब हमने इक्वेशन लिख दिया डी माइनस वन होल स्क्वायर वाई इक्वल टू ज़ीरो। सपोज करिए ऐसा कोई क्वेश्चन लिखा है, अभी हमको नहीं पता है केस वन है या केस टू है, हम पहले अपना प्रोसीजर डिफाइन करते हैं। ये क्या हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये क्या हो गया मिडिल हो गया, ये क्या हो गया राइट साइड हो गया। तो ये लेफ्ट साइड क्या डिफाइन करेगा, ये सी एफ डिफाइन करेगा, वाई को क्या लिखेंगे, ये सोल्यूशन डिफाइन करेगा, राइट साइड हमारा पी आई डिफाइन करेगा। तो वी कैन राइट सोल्यूशन, पहले हम अपना सोल्यूशन लिख लेते हैं कि हमको क्या क्या करना है। y इज इक्वल टू सी एफ प्लस का पी आई, मतलब ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो पी आई जीरो है क्योंकि राइट हैंड साइड जीरो है, तो ये हट गया। सी एफ कैसे निकालेंगे, लेफ्ट साइड से d माइनस वन के होल स्क्वायर से, तो हमको सिर्फ सी एफ निकालना है। फॉर सी एफ d बराबर m रखते हैं, m माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो आएगा, y को जीरो नहीं करेंगे क्योंकि ये सोल्यूशन है। तो हमारे पास आंसर कितने आए, m माइनस वन जीरो हो गया, दो बार लिखना पड़ेगा, तो m बराबर वन कॉमा वन, इसका मतलब कैसा है, रिपीटेड रूट है, रूट अलग अलग नहीं है। इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, एक माइनस वन आया था एक माइनस टू आया था, दोनों डिफरेंट थे, तो हमने उसका सी एफ लिखा था। बट हियर वी आर ट्राइंग टू सेम इक्वेशंस, और ऑर्डर कैसे डिफाइन करेंगे, अगर यहाँ सेकेंड ऑर्डर है तो इसका मतलब ये जस्टिफाई करेगा कि इसके दो रूट्स आएंगे। कई बार यहाँ लिखने में गलती हो जाती है कि आंसर वी हैव एम इक्वल टू वन, वन आएगा बट इट इज़ रिपीटेड टू टाइम्स, तो दो बार हमको वन कॉमा वन लिखना है। तो ये डिफाइन हो गया कि ये पहला केस नहीं है। तो रिपीट करने के लिए सी एफ को कैसे लिखते हैं, दो चीज़ों को मर्ज करते हैं। हम इसको मर्ज करके दिखा रहे हैं कैसे हमें मर्ज करना है। तो कैसे लिखना है, सी एफ सी वन प्लस सी टू एक्स ई की पावर एम इंटू एक्स, अगर दो रूट रिपीट कर रहे हैं तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इफ टू रूट्स रिपीटेड, ठीक, इसी में और नीचे बढ़ा लेते हैं, सी एफ बराबर सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स स्क्वायर e की पावर एम एक्स, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इफ थ्री रूट्स आर रिपीटेड, अगर दो रूट रिपीट करेंगे तो हम दो चीज़ों को मर्ज करेंगे, सीधा लॉजिक है ये, तीन चीज़ें रिपीट हो रही तो तीन चीज़ों को मर्ज करेंगे, चार हैं तो चार, डिफरेंस क्या है। इससे पहले हम लोगों ने जो लिखा उसको एक बार समझते हैं, सी वन e की पावर एम वन एक्स लिखा था, सी टू ई की पावर एम टू एक्स लिखा था, बहुत बेसिक डिफरेंस है। सी वन सी टू वैसे ही काम करेंगे जैसे पहले कर रहे थे, लेकिन जब रूट रिपीट होंगे तो दोनों को एक ब्रैकेट में मर्ज करके लिखेंगे, सी वन प्लस सी टू एक्स, फिर वो एम की वैल्यू लिखेंगे। अगर तीन है तो सी वन सी टू सी थ्री और एक एक्स बढ़ाते जाएंगे, एक एक्स हो गया फिर एक्स स्क्वायर हो गया, आगे जाएंगे तो सी फोर एक्स की पावर थ्री, तो मर्ज करने में एक एक्स का मल्टीप्लाई होगा, दो मर्ज कर रहे हैं फिर एक एक्स का मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ऐसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास आंसर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे दो रूट रिपीट कर रहे थे तो हम लोग कैसे आंसर लिखेंगे, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी वन प्लस सी टू एक्स ई की पावर एम की वैल्यू वन है, तो सीधे सीधे आंसर आ जाएगा सी वन प्लस सी टू एक्स ई की पावर एक्स, ये सी एफ है। पी आई हमारे पास ज़ीरो आया था तो y बराबर सी एफ प्लस का पी आई, तो पी आई जीरो है तो जो सी एफ है वही हमारा आंसर है, सी वन प्लस सी टू एक्स ई की पावर एक्स।
ठीक। अब थर्ड केस करते हैं, जब हमारे पास रूट ना तो डिफरेंट होंगे ना तो रिपीट करेंगे, इमेजनरी रूट आएंगे। इमेजनरी हम लोगों ने ट्वेल्थ में पढ़ रखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर, केस थर्ड, रूट्स आर इमेजनरी। इसको पहले हम समझ लेते हैं इमेजनरी नंबर क्या होता है। z बराबर x प्लस आई वाई, हम लोगों ने ट्वेल्थ में पढ़ा है इसको। तो व्हाट इज द x? x होता है हमारा रियल नंबर। y क्या होता है? y इज द इमेजनरी पार्ट। तो जो i का कोफिशियंट है वो इमेजनरी है, जो i का कोफिशियंट नहीं है वो सीधे सीधे हमारे पास रियल है। मैथमेटिकली अगर समझें, अगर लिखें z बराबर 2 प्लस आई, यहाँ i का मतलब यहाँ 1 का मल्टीप्लाई है, तो x 2 है, y की वैल्यू 1 है। अब हमारे पास कुछ रूट ऐसे ही आएंगे, पहले से हमको नहीं पता होता है, कोई क्वेश्चन लेते हैं सीधे सीधे, सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 1 वाई बराबर 0। ठीक, अभी हमको नहीं पता ये कौन सा केस है। सॉल्यूशन लिखा, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो पी आई में क्या हो गया, पी आई हमारे पास 0 है, सी एफ के लिए हम डी बराबर एम रखेंगे, एम स्क्वायर प्लस 1 0 आ गया, एम स्क्वायर बराबर माइनस 1। अब हम इसका फैक्टर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ माइनस 1 है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें एम बराबर अंडर रूट माइनस 1, तो आप इसका फैक्टर नहीं कर पाएंगे सीधे सीधे। तो हम लोग ट्वेल्थ में पढ़े थे कि आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 होती है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, एम स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर, तो एम बराबर प्लस माइनस आई, दो रूट्स आ गए हमारे पास। तो कैसे रूट आए, इसको लिखो एम बराबर प्लस माइनस आई, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस 1 इंटू आई। तो ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया प्लस माइनस आई बीटा, यहाँ से पता चला कैसा रूट है, इमेजनरी, दिस इज द इमेजनरी रूट। तो हम लोगों को क्या करना है, फैक्टर से जस्टिफाई करना है कि हम लोगों को कौन सा केस है। क्वेश्चन देख के हम लोग नहीं कह सकते कि किस केस का क्वेश्चन है जब तक हमारे पास फैक्टर नहीं आएगा। और यहाँ पे आके 99% इस जगह आके गलत हो जाता है क्योंकि हम इसकी वैल्यू m बराबर प्लस माइनस 1 लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस का 1 है, प्लस नहीं। अगर ये m बराबर ऐसा लिखा होता तो दिस हैव द आंसर प्लस माइनस 1, लेकिन यहाँ माइनस 1 लिखा है। तो जब तक माइनस 1 नहीं हटेगा हम फैक्टर नहीं कर पाएंगे। तो जो आई स्क्वायर बराबर माइनस का 1 हम लोगों ने पढ़ रखा है वो यहाँ पर इस्तेमाल होना है। रूट कॉम्प्लेक्स आ गए, तो इनका सी एफ का फार्मूला कि हमें इनका सी एफ कैसे लिखना है, तो सी एफ कैसे इसका डिफाइन करना है, फार्मूला बनता है सी एफ बराबर ई की पावर अल्फा एक्स सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स। अल्फा बीटा क्या है, अल्फा होता है रियल पार्ट, बीटा क्या होता है इमेजिनरी पार्ट। अब देखो अल्फा कैसे, देखो ये हो गया इसका रियल पार्ट, इसका मतलब अल्फा बराबर 0 है। बीटा क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट, बीटा की वैल्यू कितनी मिली, 1। तो आंसर क्या लिखेंगे, सी एफ बराबर ई की पावर 0 एक्स सी वन कॉस 1 एक्स सी टू साइन 1 इंटू एक्स। तो सीधे सीधे e की पावर 0 1 हो गया, सी वन कॉस एक्स सी टू साइन एक्स। ठीक, सी एफ पी आई हमारे पास 0 है, ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो आंसर आएगा y बराबर, इसी को y के बराबर कर दें, सी वन कॉस एक्स प्लस का सी टू साइन एक्स। तो दिस इज द ऑल केस ऑफ सी एफ। तो हम लोगों ने सारे केस सी एफ के पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोगों को क्या जस्टिफाई करना है, सबसे पहले ये देखना है क्वेश्चन लीनियर है कि नहीं। लीनियर का मतलब है उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, अगर 1 है तो वो लीनियर है, अगर 1 नहीं है तो वो लीनियर नहीं है।
तो अगर जैसे ही वन पता चल गया, लीनियर हो गया, फिर हम उसको सी एफ पी आई से सॉल्व करेंगे। सी एफ के लिए हमको डिग्री चाहिए, डिग्री वन हो गई। जितने ऑर्डर का इक्वेशन होगा उतना हम लोगों को क्या करना है, उतना हम लोगों को फैक्टर करना है। फैक्टर करके तीन केस बनाने हैं, केस वन, केस टू, केस थ्री। ठीक, केस वन में हमारे पास सारे डिस्टिंक्ट रूट हो जाएंगे, केस टू में रिपीट होंगे और इमेजनरी होंगे। ओके।